नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे गल्फ कंट्रीज जैसे दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन और कुवैत, इराक भी आप मान सकते हैं शामिल में। इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे भाई विद एविडेंस। जी हाँ साथियों, ये कोई भाई है मैं बता दूं जो राजस्थान का ही है। मैं ये देखिए मेरे पास पूरे उन्होंने अपना वीजा लगा हुआ भेजा है, कंपनी का नाम तो अभी क्या ले भाई, और भी बहुत सारे लोग होंगे, ये आप देख सकते हैं। ये इसके खुद के डॉक्यूमेंट हैं जो दुबई से बता दूं छुट्टी आया था। जी हाँ, और दुबई का तो एक एग्जांपल है, बाकी दुबई, कतर सब कंट्रियों में लागू होती है बात। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए कंपनी से छुट्टी आते हैं तो आप तो एक अस्थायी तौर से जैसे साल से दो साल से छुट्टी आते हैं तो दो तीन चार महीने इंडिया में रहते हैं फिर वापस चले जाते हैं। उस दौरान कंपनी के साथ आपका लेन देन पेंडिंग रहता है, जैसे आपकी सैलरी बाकी रह सकती है, जैसे कंपनी बोलती है ठीक है आप वापस आ जाओ, हम आते हैं आपका हिसाब कर देंगे, छह महीने की, चार महीने की, इस तरह से सैलरी लोगों की पेंडिंग रहती है, आप सबको पता होना चाहिए ठीक है। उसके बाद में आपका सैलरी न्यू बोनस भी बाकी हो सकता है, अंतर बोनस सेवा बोल सकते हैं, जैसे कंपनी में आप 5-4 साल से काम कर रहे हैं तो आपका बोनस होता है वो भी बाकी रह सकता है। आपके साथ और भी कंपनी का लेन देन हो सकता है, आपकी पड़ोसियों के साथ भी लेन देन हो सकता है, जैसे आप एक रूम में रह रहे हैं किसी को 5,000-10,000 रियाल आपने उधार दे रखी है, दूसरे स्टेट का है, अचानक आपकी छुट्टी मंजूर हो गई या कंपनी ने बोला ठीक है, आपने बोला ठीक है मुझे इंडिया जाके वापस आना है 2-3 महीने बाद में, तो आप इंडिया आ जाते हैं, 2-3 महीने आपने छुट्टी मार ली कोई बात नहीं, फिर आपको वापस जाना होता है। वापस जाते हैं तो कई बार आप टिकट बनाते हैं, कई बार कंपनी में कॉल करते हैं, कई बार एयरपोर्ट पे ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहां एयरपोर्ट पे सिस्टम में शो करता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कि आपका वीजा, योर वीजा इज कैंसल्ड, योर कंपनी, यानी आपको कंपनी ने बैन कर दिया, आपका कंपनी ने वीजा कैंसिल कर दिया या कंपनी आपको स्टॉप कर दिया। इस तरह से की सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती होंगी। इस बंदे के साथ में ये सिचुएशन आई है, इनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि सर मेरा 5-7 साल से मैं कंपनी में काम कर रहा था, मेरी सैलरी भी बाकी थी, मेरा बोनस भी बाकी था, मतलब 2-3-4 लाख रुपए इस तरह से कुछ इन्होंने बताया। मेरे साथियों के साथ भी मेरा उधार लेन देन था, टिकट बना ली ठीक है, टिकट बना के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया, वहां से इनको बोला गया कि भाई आपका कंपनी ने वीजा कैंसिल कर दिया। जी हाँ, ये कोरोना काल की मैं बात बता रहा हूं, ये तो एक एग्जांपल है, बाकी ये नॉर्मल टाइम में भी ये सिचुएशन हो सकती है आपके साथ। अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं भाई, कंपनी को आप कॉल करोगे तो कंपनी के एचआर मैनेजर फलाना ढिमका आपके जो जानकार होंगे वो बोलेंगे यार बात करेंगे देखेंगे, बोल देंगे कंपनी में काम नहीं है, कंपनी ने वीजा एक्सपायर कर दिया, हम देखते हैं, हम सोचते हैं, हम करते हैं कुछ, ऐसा आपको रिप्लाई मिलेगा। फिर कंपनी में कॉन्टेक्ट करते हैं कि सर कोई नहीं आपने वीजा तो कैंसिल कर दिया लेकिन मेरी जो सैलरी पेंडिंग है 5 महीने की 4 महीने की 2 महीने की, मेरा जो बोनस है वो तो मेरे अकाउंट इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपको लगता है कि वो कंपनी इतनी शाणी और समझदार और आपके हितैषी है कि वो आपको इतना पैसा ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर आपको कंपनी ने बैन किया, वीजा कैंसिल किया तो आपके जैसे 100-200 लोगों का और किया होगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं या छोटी भी हैं तो 5-10 का किया होगा, तो उनकी तो लाखों दरामे में फायदा हो गया ना, वो क्यों करेगी फिर। इस दौरान कंपनी आपकी सुनवाई नहीं करती है, 100% कंपनी आपके अकाउंट इंडियन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करती है। ठीक है, उस सिचुएशन में आप क्या करें, जैसे बात कर लेते हैं दुबई की, और कंट्री को तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे दुबई का मैटर है, दुबई में मान लो ऐसा मैटर हो जाता है तो भाई आपको ये लगता वीजा कैंसिल हो गया, मैटर खत्म, दोबारा आप जा सकते हैं दूसरे वीजा में, विजिट वीजा में लेके। अगर आपको लगता है तो आप कंपनी में न जाके, आप क्यों रिटर्न हो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कहां क्या है, कैसे विजिट में जाना होता है, सब प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, आप विजिट वीजा में जाओ। मेरी मैं निजी राय दे रहा हूं आपके साथ में, मैं कोई थोप नहीं रहा हूं कि ये ऐसा कर लोगे आप, मैं मेरे निजी जो विचार है वो शेयर कर रहा हूं। आपको लगता है कंपनी के साथ आपका लेन देन काफी है, ये ठीक है, कंपनी आपको बुला नहीं रही, आपको दुबई जाना है, या दुबई कैसे जाए ताकि वहां दोबारा दूसरा जॉब लगे, दूसरी कंपनी में जॉब लग जाए, वीजा लग जाए, आपकी कंपनी के, आपका जो पुरानी कंपनी के साथ आप हिसाब भी चुकता कर सके। इसलिए आपको करना क्या होगा, यहां से 3 महीने का विजिट वीजा लेके आप जा सकते हैं, टिकट लेके जा सकते हैं, 30-35 हजार का ये खर्चा है, वहां आप जाओगे 5-4 साल से 2 साल से रह रहे हो, कोई ना कोई लिंक आपका पक्का निकल जाएगा जहां आपको वहां पे रह सके, चाहे आप अपने साथियों के साथ रहे, चाहे आप रूम रेंट लेके रहे, महीने भर में आप रहते हैं 200-300-400-500 दिरहम में आपको महीने का रूम मिल जाता है। उस दौरान रहते हुए आपको सबसे पहले आपकी कंपनी में जाना होता है, जिस कंपनी में आपके पास पहले से आपका हिसाब बकाया पड़ा है,
आपको उनको एहसास करवाना आता, उनके माइंड में झटका लगना चाहिए, अरे ये कहाँ गया, इसको तो हमने कैंसिल कर दिया था। कंपनी वाले इतना नहीं सोचते कि ये वापस इंडिया से चल के यहाँ आ जाएगा, इतना दिमाग नहीं लगाते हो। मैं बोल रहा हूँ ये बात, मेरे जो निजी विचार है, उनको आप बोलिए कि सर मेरी पगार है, आप क्योंकि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, सर सोचने लायक बात है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपके पास एविडेंस है। पहला एविडेंस क्या है, सैलरी स्लिप, क्योंकि जिस कंपनी में काम कर रहे हो बैंक अकाउंट होता है आपका, उस कंपनी में तनख्वाह आती है, ठीक है, कंपनी में 5 महीने की तनख्वाह पड़ी है, तो यह तो नहीं कि 5 महीने की फ्री एंट्री दिखा देगी, वो तो नहीं दिखाएगी, वो आपके पास सेफ है, उसके आप एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो जॉब कार्ड होगा जिसमें आपकी हाजिरी वगैरह लिखी होती है वो मिल जाएगा, ओवर टाइम का भी आपको होता है अलग से कंपनी देती है, एविडेंस मिल जाएगा, अगर आपका हाजिरी रजिस्टर में आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा, ये एविडेंस आपको पुख्ता करते हैं कि आपकी कंपनी ने गलती की है, जानबूझ के आपका हिसाब था, कंपनी ने पेंडिंग रखा, वीजा कैंसिल कर दिया, अभी भी आप कंपनी में आके मांग कर रहे हो तो कंपनी नहीं दे रही है। वीजा कैंसिल करने का मतलब ये नहीं हो जाता, वीजा कंपनी ने कैंसिल कर दिया तो आपका बकाया जो भुगतान है वो नहीं दे सकती, उसका हक फिर भी बना रहता है, आपका भी हक बना रहता है कि आप वो ले सकते हैं। पहले कंपनी से बात करिए नॉर्मल तरीके से, क्योंकि आपको तो वहां रहना है, ये तो नहीं कि आप 2 दिन के लिए गए वापस इंडिया आना है। आप उनको समझा सकते हैं कि सर मैं यहीं रहने वाला हूं, पहली बात तो मेरा वीजा आप चाहो तो लगवा सकते हो, लगा सकते हो, क्योंकि आप इसी में चले गए, कंपनी ने वीजा कैंसिल कर दिया, हो सकता है आप सामने पहुंचो तो कंपनी ने बोल दे ऑफर की चलो हम आपका वीजा लगा देते हैं, तो सोने में सुहागा, अच्छी बात है, उसी कंपनी में जॉब करो और आपका पीछे का भुगतान का भी आप उसमें बता सकते हो कि मेरा पैसा बाकी है, ठीक है। कंपनी वीजा नहीं लगाती है तो 3 महीने के वीजा पे गए हो, दूसरी जगह आप कंपनी में ट्राई करो, दूसरी जगह कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगा। रिटर्न आदमी दुबई में विजिट टू वर्क ही होता है, दुनिया जाती है, ठीक है। हालांकि मैं विजिट टू वर्क का समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी आप ये ऑप्शन चुन सकते हो क्योंकि आप रिटर्न हो, इसलिए आप जाके कंपनी को बोल सकते हो मैं यही हूं, ये मेरा पगार, ये मेरा लेन देन, ये मेरा हिसाब है, मेरा हिसाब कर दीजिए। नहीं करती है तो आप कंपनी के मेल पे एक मेल करिए अपने मोबाइल से, कंपनी की मेल आपको मिल जाएगी आराम से, नहीं होती है तो आप वहां से ले सकते हैं, कोई ना कोई स्टाफ सब आपको जानकारी मिलेंगे वहां पे, क्योंकि आपके स्टाफ वाले भी तो वही जॉब कर रहे हैं ना, तो आप ईमेल करिए, उसमें पूरे एविडेंस लगाइए कि ऐसे ऐसे मेरी सैलरी बाकी, आप सैलरी मेरी दीजिए वरना मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाला, ये मैसेज करके उसको छोड़ दीजिए। फिर भी कंपनी, पहला ऑप्शन आप उनको बोलो वीजा लगाओ, वीजा नहीं लगाती है, फिर बोलो हिसाब कर दीजिए, हिसाब भी नहीं करती है, तो आप तीसरा ऑप्शन ईमेल करिए, ईमेल का रिप्लाई नहीं आता है तो आप उनके खिलाफ मोहरे में जाके शिकायत कर दीजिए तुरंत प्रभाव से, 100% आपके पक्ष में फैसला आएगा। आपके दो बेनिफिट है, एक तो कंपनी के ऊपर आप लीगल एक्शन लोगे, ठीक है, तो कंपनी को आपको जो भी बकाया वो 100% देना पड़ेगा, चाहे उसको 2-3 महीने 4 महीने लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात, 2-3 महीने रहते हुए आप वहीं पे अपना जॉब सर्च करके दूसरी कंपनी में आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। तो साथ में आप कंपनी में अपना आपका जो बकाया लाखों रुपए वो भी वसूल सकते हैं, साथ में आप उस कंपनी दूसरी कंपनी में आप जॉब अप्लाई करके अपना वीजा लगवा सकते हैं, एक साथ दोनों काम हो सकते हैं। तो कंपनी के भी आंख हो जानी चाहिए कि हम जो ये प्लान बना रहे हैं ना कि लोग छुट्टी चले गए उसके बाद उसका बकाया उसकी तनख्वाह उसको नहीं देते हुए वीजा कैंसिल कर देते हैं, तो बंदे इंडिया से यहाँ आ सकते हैं दुबई और आके कान पकड़ के पैसा ले भी सकते हैं, क्योंकि दुबई का लेबर लॉ सख्त है, इस बात को मानना पड़ेगा। तुरंत प्रभाव से फैसले होते हैं, थोड़ा सा टाइम हो सकता है, महीना 2 महीना आपको हो जाए एक्स्ट्रा, उसकी भी आप अस्थि पूर्ति कर सकते हैं, मांग सकते हैं हजाने के तौर पे, मेरा इतना खर्चा हुआ, कंपनी ने जानबूझ के मुझे इतना पैसा मेरा नहीं दिया। इंडिया में रहते हुए आप मेल कंपनी को कर सकते हैं कि आपने मेरा वीजा जानबूझ के कैंसिल किया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी इतने महीने की पगार है, मेरी ये बोनस है, मेरा इतना हिसाब बनता है, आप मुझे मेरे ये इंडियन मेरा अकाउंट नंबर है, ताकि वो सब एविडेंस कि आप प्रिंट कॉपी निकालोगे, जितने भी एविडेंस आपके पास सब प्रिंट कॉपी आपके एविडेंस के तौर पे काम आएगी कंपनी के खिलाफ में। कंपनी के पास एक भी आपके विपक्ष में एक भी पॉइंट आपके खिलाफ नहीं मिलेगा। कंपनी ये नहीं बोल सकती, ये देखिए हमने इनको मेल किया था कि आप अपना पेमेंट ले लीजिए, हम आपका वीजा कैंसिल कर रहे हैं अगर आप टाइम पे नहीं है, कंपनी तो आपकी कंपनी की तरफ से तो आपके पास कोई मेल ही नहीं आएगी, कंपनी के नंबर भी आपके पास होंगे, कई ऐसी पोस्ट होती है जिसमें कंपनी आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाती है, उसके ऊपर ईमेल वगैरह आते हैं, मैसेज वगैरह भी आते रहते हैं, बहुत सारे एविडेंस, जिस कंपनी में हम काम करेंगे ना वहां अपने एविडेंस ही एविडेंस है, समझ गए बात। तो आप आराम से इसके कदम उठा के अपना कंपनी को कान पकड़ के अपना पैसा निकाल सकते हैं, ये ऑप्शन मैंने बता दी, इस ऑप्शन से अगर आप करते हैं तो, चाहे आप दुबई का तो एग्जाम्पल दिया है, चाहे आप दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत कहीं का भी हो, तो आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।